कौन जानती है आज मेरे से सुन लो उस साजिश का सबसे बड़ा छुपा हुआ और घिनौना करदार है उमर अताबंदियान। मैं उमर अताबंदियान से पूछती हूँ, आवाम इतनी बेचैन थी इलेक्शन के लिए तो कल आवाम निकली क्यों नहीं वोट डालने के लिए? उमर अताबंदियान साहब के कहने पे कल इलेक्शन होता तो मेरे भाइयों नंबर एक पे कौन आता? नंबर एक पे आता सर पे पहनने वाली कूड़े वाली बाल्टी। नंबर दो पे कौन आता? टांग वाला प्लास्टर। नंबर तीन पे क्या आता? नंबर तीन पे आती व्हील चेयर। रनर अप कौन होता? ऑक्सीजन मास्क, जिसको गिरफ्तारी होते ही ये लोग ऑक्सीजन मास्क मुंह पे लगा लेते हैं। मेरे भाइयों, इंतजार की आग जमान पाक से कम लगी है, उमर अताबंदियाल के दफ्तर से ज्यादा लगी है। तो मैं उमर अताबंदियाल साहब को पूछती हूँ, आवाम के समंदर को देख के खुशी हुई या नहीं हुई? तपती हुई धूप में आप लोग किसी साए के बगैर, किसी कुर्सी के बगैर जिस तरह सुबह 10 बजे से यहाँ मौजूद हो, मैं आप सबके जज्बे को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ। आज इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की असली आवाम शाराए दस्तूर में इस इमारत के सामने मौजूद है, जो असली आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर यहाँ मौजूद है। तो मैं उमर अताबंदियाल साहब को पूछती हूँ, आवाम के इस समंदर को देख के खुशी हुई या नहीं हुई? हेलो, हेलो भजन। और जब हकीकी और असली आवाम निकलती है ना हजारों और लाखों की तादाद में, तो पत्ता नहीं हिलता, गमला नहीं टूटता, कोई पत्थर नहीं बरसाता। आओ उमर अताबंदियाल साहब, देखो ये है पाकिस्तान की हकीकी आवाम। और ये आपसे आज मजबूरी में सवाल पूछने आए हैं, मैं आपसे मजबूरी में आज सवाल पूछने आई हूं। ये जो इमारत सफेद संगमरमर की इमारत, जिसको आज आपने अपनी ईमानदारी से नहीं अपनी इमरानदारी से दागदार करने की कोशिश की है, ये कौम आपसे सवाल पूछने आई है। हम इस जरा सुनना, हम इस एहतराम, इस इमारत का एहतराम करते हैं, हम पाकिस्तान के आईन का एहतराम करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के आईन को बनाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के कानून को बनाने वाले और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। हम आज यहां पर एहतजाज नहीं करना चाहते थे, मगर यकीन जानो पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी इमारत से फूटती है और पाकिस्तान की तबाही भी इन्हीं के फैसलों से फूटती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ पीडीएम के कारकुनों से भी कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान के आवाम से भी कहना चाहती हूँ और मुअज्ज़िज़ जज हजरात से भी कहना चाहती हूँ कि हम जजेस का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हम उन जजेस की बात आज नहीं करेंगे जो आईन और कानून पर चलने वाले जज हैं। आज अगर बात होगी तो इमरान खान की सहूलत करने वाले इमरानदारों की बात होगी। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का जवाब दो, ये जो इमारत हमारे सामने खड़ी है, इस इमारत से तो मजलूम को इंसाफ मिलना था ना,
इस इमारत से एक ताकतवर को कानून के शिकंजे में लाया जाना था ना, इस इमारत से जमहूरियत को मजबूत किया जाना था ना, ये पार्लियामेंट हाउस है, इस इमारत से तो चाहिए था कि पार्लियामेंट की मजबूती की, पार्लियामेंट की तवानाई की आवाज बुलंद होती। इस इमारत से तो मुंतखब वज़राए आज़म जो आपके, उनके तकद्दस को बरकरार रखना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। जमहूरियत को मजबूत करना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। दहशतगर्दों को कटहरे में लाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। फितना और इंतशार फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। लेकिन यहां से सहूलतकारी जो कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? जिस इमारत से इंसाफ होना था, साइलों को, मजबूरों को इंसाफ मिलना था, वहां पर बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ है दिन रात। जहां से मुंतखब वज़ीरे आज़म को तहफ़्फ़ुज़ मिलना था, वहां से मुंतखब वज़ीरे आज़म को इल्काबाद से नवाजते रहे, कहते रहे सिसिलियन माफिया, कहते रहे गॉडफादर, और जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया, उसको कहते हैं वेलकम वेलकम, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। पार्लियामेंट जो कि तमाम इदारों की मां होती है, जहां से आईन ने जन्म लिया, जहां से कानून ने जन्म लिया, उस पार्लियामेंट से टक्कर लेके बैठ गए हो। अभी तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था, अभी तो मां के पेट में कानून था और तुम उस कानून पे साम बैठ बन के बैठ गए हो। तुम्हारा काम कानून की और आईन की तशरीह करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है। लोगों में पार्लियामेंट की बात करती हूं तो मैं आपकी बात करती हूं, मैं आपके हक की बात करती हूं, मैं उन नुमाइंदों की बात करती हूं जिनको वोट देकर आप पार्लियामेंट और पार्लियामान के अंदर भेजते हो। इस मुल्क को, ये भी सुन लो, इस मुल्क को जब जब भी खराब किया गया, वो यहां से जो नजरिया जरूरत उठता है उसने खराब किया पाकिस्तान को। मुंतखब वज़ीरे आज़म को घर भेजा जाता है, किसी मुंतखब वज़ीरे आज़म को फांसी लगाई जाती है, किसी को जिला वतन किया जाता है, किसी को गोली मारी जाती है, किसी को एक इकामा रखने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक मुंतखब वज़ीरे आज़म को, आपके मुंतखब वज़ीरे आज़म को घर भेजा जाता है और यहां से मोहर लगती है। यहां से पीडीएम के कारकुनों, अब मुझे हाथ उठा के बताना, बाएं से भी, दाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी, क्या तुम लोग गवाही देते हो कि इस मुल्क में 4 आमरियतें आई, 4 बार इस मुल्क पर शब खून मारा गया, इस मुल्क के मुकद्दस आईन को लपेट कर रद्दी की टोकरी में फेंका गया? यहां से लोगों ने LFO और PCO के हल्फ उठाए या नहीं उठाए? क्या एक भी आमिर ऐसा है जिसको इस इमारत में किसी काले रोब पहनने वाले ने घर भेजा हो? बताओ, क्या एक भी आमिर को इन्होंने घर भेजा? हमेशा आमिरों की खातिर नजरियाए जरूरत को जिंदा किया। पहला आमिर आया, पहला मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, दूसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, तीसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, चौथा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा
हमारी फौज मार्शल लॉ लगाने को तैयार नहीं है। जम्हूरियत आईन और कानून के साथ खड़ी है। तो आज पाकिस्तान का पांचवा मार्शल लॉ जुडिशल मार्शल लॉ भी यहां से लगा है। और वो सुना था उमर अता बंदियाल साहब की सांस पर मार रही थी, और वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब उनकी वाइफ से बात कर रही थी। ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो इमरान खान के वकील हैं, दोनों कहती हैं ये हाल देख लो चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ का, चीफ जस्टिस की सास का हाल देख लो, बात क्या हो रही है। जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत का नाम लेते और बात क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे उसकी सास, क्या बात, कॉन्वर्सेशन क्या हो रही, गुफ्तगू क्या हो रही है। गुफ्तगू ये हो रही है कि ये कमबख्त तो अब मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। बोलो शेम। अब तो ये कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। वो तो मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है। और उस नजरिया जरूरत को जिसको बार बार आमिरों के लिए जिंदा करते हो, अपनी कुर्सी पे टिके रहने के लिए कभी LFO कभी PCO का हल्फ लेते हो, कभी क्या कोई नजरिया जरूरत पाकिस्तान के अवाम के काम आया? बताओ, पाकिस्तान के अवाम के कोई नजरिया जरूरत काम आया? क्या कोई नजरिया जरूरत पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लगा कभी? पाकिस्तान के जो लाखों लोग, बेगुनाह लोग जेलों में कैद हैं, अडयाला जेल में कैद हैं, पाकिस्तान की तूलो अर्ज में फैली हुई जेलों में कैद है, कभी कोई नजरिया जरूरत उनके लिए भी जिंदा हुआ? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगले दिन मैं जस्टिस उमर अता बंदियाल की तकरीर सुन रही थी। हवाला देते जस्टिस कॉर्नेलियस का और ताबेदारी करते हैं जस्टिस मुनीर की। हवाला देते हैं जस्टिस कॉर्नेलियस का और पैरोकारी करते हैं जस्टिस मुनीर की। उमर अता बंदियाल साहब, जिस कलम को आप बेदर्दी से इमरान दारी के लिए चलाते हैं, इंसाफ का खून करने के लिए चलाते हैं, आईन को तोड़ने के लिए चलाते हैं, आईन को रीराइट करने के लिए चलाते हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपके उस कलम को ताकत जो है वो पाकिस्तान के आईन ने दी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने दी है, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीरे आज़म ने दी है। आपके उस कलम को ताकत आपके मुंतखब नुमाइंदों ने दी है। हम 75 साल के हो गए पाकिस्तानियों, मगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकी इनके, क्योंकि आपकी किस्मत नहीं बदल सकी, 23 करोड़ अवाम की किस्मत नहीं बदल सकी, क्योंकि इस बिल्डिंग में कुछ लोग जो बैठते हैं उनकी नीयतें ठीक नहीं है। घड़ी चोर की बात भी होगी, जानते हो घड़ी चोर को तोशाखाना चोरी में भी जमानत मिल गई है, और उसकी बीवी जिसको पिंकी पीलनी कहते हैं, जब तोशाखाना से चोरी करनी होती है, जब हीरे की अंगूठियां रिश्वत में लेनी होती है, जब अलकादे ट्रस्ट के बदले 450 किनाल जमीन लेनी होती है, उस वक्त पिंकी पीरनी जो है वो सरगना बन जाती है चोरों की गैंग की, और जब अदालत बुलाती है तो बड़ा मासूम सा मुंह बनाकर कह देते
का मकाफात अमल देखो। मैं ट्रस्टी थी अपने भाई के लिए, इन्होंने मजाक उड़ाया, इन्होंने झूठी चीजों पे झूठे इल्जामात पर मुझे सजाएं दी और आज इनके मुंह ये कहते हुए नहीं थकते कि जो पिंकी पीरनी है वो तो ट्रस्टी है। आज जब अदालत में जमानत के लिए गई मरियम नवाज तो जमानत के लिए भी नहीं गई, 4 साल इनका जुल्म सहती रही, इंतकाम सहती रही। मैंने कहा मैं जमानत नहीं लूंगी, पकड़ना है तो पकड़ो। और आज जब पिंकी पीरनी साहिबा को अदालत लेके जा रहे थे तो अदालत के कमरे तक गाड़ी गई और सफेद चादरों के हिसार में उसको लेकर जाया गया। तुम्हारी घर की खातून की इज्जत है तो लोगों की बेटियों की बहुओं की बहनों की बीवियों की कोई इज्जत नहीं है। जब तुम इख्तदार में थे और लोगों की बेटियों को धक्के खाते हुए कानून की जो अदालतें थी उनकी राहदारियों में लेकर जाते थे, धक्के खाते हुए वापस लाते थे, तब तुम्हें नहीं पता था कि ऊपर एक अल्लाह ताला भी बैठा है जो एक एक चीज का हिसाब रख रहा है। आप सबको मैं कौन से खिताब कर रही हूं, आप सबको पता होना चाहिए कि आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, जिस फितने की लपेट में आया हुआ है, जिस तवाइफुल मलूकी की लपेट में आया हुआ है, जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है वो जमान पाक से कम और उमर अता बंदियाल की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है। और ये क्राइसिस की ये लहर उस दिन फूटी थी जब मुकदमा कोई और था और सुओ मोटो किसी और बात पर लिया गया। और उसके बाद आईन को रीराइट किया गया, 63A को की गलत तशरीह की गई। मैं आपको बताऊं, उमर अता बंदियाल ने आईन को कैसे रीराइट किया। आईन ये कहता है, मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, आईन ये कहता है कि जब कोई सियासी जमात का रुकन अपनी जमात की मर्जी के खिलाफ वोट देता है तो उसको डीसीट किया जाता है। आईन ये नहीं कहता कि उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। उमर अता बंदियाल ने आईन को रीराइट किया और ये लिखा कि ना कि वो जमात का रुकन डी सीट भी होगा और उसका जो, जो, जो एक वो डी सीट भी होगा और उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। आईन में तो ये कहीं नहीं लिखा, आपके ऊपर तो आईन की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। जो चीज आईन में नहीं लिखी वो आपने कहां से लिख दी। और उसके बाद मेरे भाइयों 4-3 के फैसले को अपनी कुर्सी के अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल से 3-2 के फैसले में बदला और फिर हमें कहा कि 4-3 के अक्सरियती फैसले को ना मानो और 3-2 के अकलियती फैसले को मानो। अब मुझे हाथ उठा के बताओ कि फैसला अक्सरियती होता है या अकलियती होता है। हम क्यों माने वो फैसला जो आपने बदनीयती से दिया, हम क्यों माने वो फैसला जो आपने झूठ बोल के दिया। और उसके बाद आपने यहीं पर नहीं रुके, आपने 4-3 के मामले में और 3-2 के मामले में अपने साथी जजेस से भी झूठ बोला और इतना झूठ बोला, कुर्सी का इतना गलत इस्तेमाल किया कि आपके साथी जजेस, आपके फेलो जजेस, आपके ब्रदर जजेस की चीख उठे के यहां से बदनीयती का मुजाहरा हो रहा है। आपने इमरान की इतनी ज्यादा और ढिटाई से सहूलतकारी की उमर अता बंदियाल साहब कि आपके फेलो जजेस को लिखना पड़ा
कि आप जज नहीं है, यू आर पॉलिटिशियन इन रोब्स, यानी कि काले जो गाउन आप पहनते हो उसमें छुपे हुए आप एक सियासतदान हैं। और कहा आपके फेलो जजेस ने, मरियम नवाज ने नहीं कहा, पीडीएम ने नहीं कहा, वकला तंजीमों ने नहीं कहा, ऑपोजिशन ने नहीं कहा, हुकूमत ने नहीं कहा, आपके ब्रदर जजेस जो आईन और कानून का पास रखने वाले जजेस हैं, उन्होंने कहा कि आपने अपनी कुर्सी और इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, आपने सुओ मोटो के इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा कि आपने गलत इस्तेमाल से आपने पूरे सुप्रीम कोर्ट को वन मैन शो बना दिया। क्या बना दिया? और आपने इतनी ईमानदारी की, इतनी सहूलतकारी की, आईन और कानून का इस जिताई से कत्ल किया कि लोगों के सर शर्म से झुक गए। पहली बार आपकी इस ईमानदारी की वजह से पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसी मुकद्दस अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त बगावत की सी सूरत हाल का सामना है। जजेस एक दूसरे के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। हमने क्या फैसला मानना है? पहले तो आपके साथी जजेस आपके फैसले नहीं मान रहे। और उस फैसले के नतीजे में आपने हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत तोड़ दी और प्लेट में वो हुकूमत रखकर तहरीक इंसाफ को पंजाब में पेश कर दी, जबकि आप जानते थे कि ये हुकूमत आप जिसके हाथ में दे रहे हैं वो असेंबली तोड़ेगा। और मेरे भाइयों, ये बात बाद में कौम को पता चली कि ये बहुत गहरी साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। लोगों को पता चला कि उसमें असेंबली तोड़ने में सिर्फ इमरान खान शामिल नहीं था, सिर्फ परवेज इलाही शामिल नहीं था, उसमें यहां पर शारे दस्तूर में बैठा हुआ सदरे पाकिस्तान भी शामिल था, आरिफ अलवी भी शामिल था, जिसने अपने पास बिठाकर जनरल बाजवा के साथ ये फैसला कराया कि पंजाब असेंबली टूटेगी और इलेक्शन अनाउंस होगा। लेकिन कौम ये नहीं जानती, कौम ये नहीं जानती कि उसका एक सबसे बड़ा किरदार उस साजिश का इमरान का तो आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है, बाजवा साहब का आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है। आज मेरे से सुन लो, उस साजिश का सबसे बड़ा छुपा हुआ और घिनौना किरदार है उमर अताबंदियाल, जिसने जाहिर है असेंबली तोड़नी थी तो उससे पूछा गया ना कि असेंबली तोड़नी है तो तुम इलेक्शन दोगे? उसने कहा बेफिक्र हो के असेंबली तोड़ो, मैं तुम्हें इलेक्शन दूंगा। और कल इलेक्शन होना था 14 मई को। मैं उमर अताबंदियाल से पूछती हूं, अवाम इतनी बेचैन थी इलेक्शन के लिए तो कल अवाम निकली क्यों नहीं वोट डालने के लिए? अगर उमर अताबंदियाल साहब के कहने पे कल इलेक्शन होता तो मेरे भाइयों नंबर एक पे कौन आता? नंबर एक पे आता सर पे पहनने वाली कूड़े वाली बाल्टी। नंबर दो पे कौन आता? टांग वाला प्लास्टर। नंबर तीन पे क्या आता? नंबर तीन पे आती व्हील चेयर। और रनर अप कौन होता? ऑक्सीजन मास्क, जिसको गिरफ्तारी होते ही ये लोग ऑक्सीजन मास्क मुंह पे लगा लेते हैं। ये तो हाल है जिसकी सहूलतकारी उमर अताबंदियाल कर रहा है। वो अदालत में पेश हुआ डरपोक, कहता है मैं 24 घंटे से बाथरूम नहीं गया।
भाइयों, इंतशार की आग जमान पाक से कम लगी है, उमर अता बंदियाल के दफ्तर से ज्यादा लगी है। इस फितने ने जिसका नाम इमरान खान है, शर्म आती है कूड़े वाली बाल्टी का नाम लेते हुए भी। इस शख्स ने असेंबली तोड़ी, नाकाम हुआ, इस्तीफे दिए, नाकाम हुआ, लॉन्ग मार्च किया, नाकाम हुआ, जेल भरो तहरीक चलाई, नाकाम हुआ, और कौन मदद को आया? कौन आया मदद को? मैं भी सुनूं, आवाज नहीं आई। कौन आया मदद को? कौन? उमर अता बंदियाल साहब सुने, कौम को बताने की जरूरत नहीं, उनको पता है कि जब 2016 का लॉकडाउन नाकाम हुआ तो वो जो अंदर छुप के बैठा है खोसा साकिब निसार तो आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है ना। तहरीके इंसाफ की टिकटें ब्लैक करता हुआ पकड़ा गया है, उसका बेटा तहरीके इंसाफ की एक टिकट का 1.25 करोड़ रुपया मांग रहा था। साकिब निसार को तो पूरी कौम जानती है, लेकिन आपका साकिब निसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद खोसा। इमरान का लॉकडाउन जब नाकाम हुआ तो उसने कहा, मारे मारे क्या फिरते हो, मेरे पास दरखास्त लाओ, मैं अभी नवाज शरीफ को तुम्हारे सियासी रास्ते से हटाता, और उसने हटाया। हमारे लिए तो JIT बनी थी, व्हाट्सएप के हीरे, हीरो से इनकी कोई खास मोहब्बत है? हीरा लेते भी हैं तो 5-5 कैरेट का लेते हैं। हमारे लिए तो व्हाट्सएप की जो हीरे थे वो भी यहां से चुने गए, व्हाट्सएप कॉल पे चुने गए, यहां से इजाजो लेसन। ये सिर्फ करप्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ इमरान खान के 60 बिलियन और तोशाखाना की चोरी को यहां से तहफ़ नहीं मिल रहा, ये करप्ट नेक्सस का तहफ़ है। एक साइड पे इजाजो लेसन बैठे हैं, जो जिसकी करप्शन की दास्तानें पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, वो सामने कौन सा टावर है, सामने कौन सा टावर है, सामने वो देखना मुड़ के जरा, वो टावर देखो तुम्हारे पीछे है, ट्विन टावर। इजाजो लेसन की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। और मुजाहिर अली नकवी, जिसके खिलाफ गबन का, करप्शन का रेफरेंस गया हुआ है, लेकिन उस पे सांप बन के बैठे हैं। सिर्फ इमरान खान करप्ट का तहफ़ नहीं, और आपने करप्ट साथियों का, जजेस का भी तहफ़ हो रहा है, क्योंकि एक जज को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई खुलती है तो इनके नंबर कम हो जाते हैं। ये देखो, यहां से चोरों को, डाकुओं को सजा मिलनी थी, उमर अता बंदियाल साहब खुल के चोरों और डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। और आज जो पाकिस्तान में आपने देखा मेरे भाइयों, आज आप पुरमन एहतजाज कर रहे हो, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग निकले, पता नहीं टूटा, गमला नहीं टूटा, किसी दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी ग्रीन बेल्ट को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं चलाई, कोई रेंजर्स की गाड़ी नहीं चलाई। और इनके लाडले को, उमर अता बंदियाल साहब के लाडले को, जिसको इन्होंने, जिसकी परवरिश अपनी गोद में बिठा कर की, जब 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ, पूरे इस्लामाबाद में आग लगा दी गई, तो उमर अता बंदियाल साहब अपनी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, हो सकता है इमरान खान ने आग ना लगाई हो सकता है आंसू गैस की वजह से, हवा के रुख की वजह से ग्रीन बेल्ट चल गई हो। तो मुझे बताओ, ये अभी भी मई का महीना है ना, आज ग्रीन बेल्ट में आग क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये कोई फॉरेन फंडेड फितने नहीं है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए लॉन्च नहीं है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों का इज्तिमा है।
उसको कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है, आंसू गैस की वजह से आग लग गई होगी। उस फितने को पालते रहे, पोसते रहे, बढ़ावा देते रहे, और क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जो नुकसान हमारा दुश्मन नहीं कर सका, जो मजमूम हरकतें भारत नहीं कर सका, जो पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें नहीं कर सकी, जो कलदम तंजीमें नहीं कर सकी, वो कुछ इनके पालतू इमरान खान ने करके दिखा दिया। उस फितने ने करके दिखा दिया जिसको आपने पाला था, जिसकी परवरिश उमर अता बंदयाल की गोद में बैठकर हुई है, और क्या हुआ? पाकिस्तान की कौम के दिल पर हमला हुआ। जब सारी हमारी दफाई तंसीबात को आग लगा दी गई, रेडियो स्टेशन को जला दिया गया, मवेशियों के फार्म्स में जिंदा जानवरों को जला दिया गया, अस्पतालों में आग लगा दी गई, एम्बुलेंसेस को आग लगा दी गई, पुलिस वालों को मारा गया, रेंजर्स की पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, और अब और दुख की दास्तान सुनो, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। वो जो कोर कमांडर हाउस को जलाया, वो कोर कमांडर हाउस बाद में था, पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर था। वो जिन्ना हाउस था जिसको कायदे आजम ने अपने पैसों से खरीदा था। शर्म करो इमरान खान, शर्म करो उमर अता बंदयाल, शर्म करो। भारत के अंदर जो कायदे आजम का घर है वो आज महफूज है, लेकिन इस कौम को, इस मुल्क को जन्म देने वाला कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उसके घर को इन बलवाइयों ने आग लगा दी।